पुलिस की गहमा गहमी के बीच में गाजीपुर बॉर्डर से जो खबर आ रही है वो आपको जरूर सुननी और देखनी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों के नेता राकेश टिकैत की, जो इस वक्त चर्चाओं में है। कभी आत्महत्या करने की धमकी देनी पड़ रही है तो कभी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत का ये वीडियो बड़ा मायने रखता है। जहां एक और पानी और बिजली काट दी गई थी, उसके बाद लगता है कि कोई सरकार का आदमी राकेश टिकैत को मनाने में लगा है और राकेश टिकैत उससे फोन पर बात कर रहे हैं। आखिरकार क्या सच्चाई है? कौन है जो राकेश टिकैत को फोन पर मनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि राकेश टिकैत कहते हैं कि पानी और बिजली की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने कर दी है, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार कौन है जो राकेश टिकैत को फोन पर मना रहा है? आइए सुनते हैं इस बातचीत को। खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं नहीं, मैं मेरी अपील ये है आपसे, नहीं नहीं नहीं, मैं जब कोई विश्वास नहीं रहा, यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। इतनी बड़ी गलत, मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पर करा, ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लट्ठू से मेरे लोग पिटवाओगे आप? वे किसान मैंने बुलवाए जो ट्रैक्टर बुलवाए, मैंने सम्मान गलत चीज। मैं आपने कह रहा था, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200 300 400 लोग जो मेरे साथ जाते थे, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपनी। लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए उनकी जिम्मेदारी भी तो थी, मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पर दूंगा? मतलब बीजेपी के लोग उनको पिटेंगे? पुलिस उनको घिरवा के पिटवाने का काम करती है? नहीं नहीं, मैं हो गया, मेरे जीवन में इससे बड़ा मेरा सम्मान मेरा किसान है जी। मैं इस किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन मेरा ये समझौता हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में मेरा मुकदमा है, जिस दिन ये समझौता हो जाएगा मैं दिल्ली में।